दोस्तों आज हम बात करेंगे बीजेपी के हालात की और बीजेपी में चल रहे अंतर कलह की, जिसके साथ आरएसएस की भी बात करेंगे। टिकट वितरण से लेकर के सांसद विधायक बदलने तक की आप आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुथेगर। अभी हाल ही में हुए चुनाव लोकसभा के, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं और उस दिन से अभी चर्चा एकदम जोरों पर है कि अब प्रधानमंत्री बनेगा किसका। अटकलें तो बहुत ज़बरदस्त चल रही, क्योंकि देखा जाए तो वैसे एनडीए का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, लेकिन सोचने की बात है कि अभी तक इनका कोई नेता घोषित नहीं हुआ है और इसकी जो प्रक्रिया है इतने ठंडे बस्ते में क्यों चल रही है। अब हम बात कर लेते बीजेपी के जो कार्यकाल के, और यहाँ पर आपको एक जो खबर निकल कर सामने आई है वो रामपुर की। हमने जो कल के वीडियो में आपको बताया था, उस वीडियो का जो हेडिंग था, जहाँ जहाँ प्रभु श्रीराम वहाँ बीजेपी का काम तमाम, ऐसा हमने हेडिंग डाले थे। और कल का वीडियो है जिसमें हमने बताया कि अयोध्या में बीजेपी की हार होती, चित्रकूट में होती है, इधर महाराष्ट्र में नासिक, रामटेक, और वैसे अब उत्तर प्रदेश से खबर निकल कर सामने आई है रामपुर की। जो रामपुर क्षेत्र में एक जो गाँव होता है वहाँ का बूथ जो है, वहाँ पर भाजपा ने अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। वहाँ पर कुल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 532 घर दिए हैं जो आवास योजना के तहत होते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। और बताया जाता है कि वहाँ पर 100% मुस्लिम समाज की आबादी है। वहाँ के बूथ पर कुल 2322 वोट पड़े हैं, जिसमें एक भी वोट बीजेपी के खाते में नहीं गया है। वहाँ से सपा के जो प्रत्याशी है मोहिबुल्ला, जो 87,434 मतों से जीते हैं। अब ये जो इस बार का जो चुनाव है और इस बार का जो चुनाव समीकरण है और बीजेपी की हालत क्या है, ये पिछले विधानसभा चुनाव से ही समझ में आ चुके थे। जैसे हम बात करेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो सांसद लोग हैं उनको विधायक के लिए उतारा जाता है, जहाँ वहाँ के प्रत्याशी बदला जाता है, और इस प्रकार से जो चुनाव लड़ा जाता है। तो जिसमें हम बालाघाट जिले की बात करेंगे कि बालाघाट जिले में कांग्रेस का अच्छा कब्जा रहा है। यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहाँ ज़्यादा प्रतिशत में कांग्रेस के विधायक विजयी हुए थे। तो वही हमने आकलन किया था कि जो अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी थे भारती पारधी जी और कांग्रेस प्रत्याशी थे सम्राट सिंह सरस्वार। अब सम्राट सिंह सरस्वार को जीतेगा, हर कोई मान रहा था कि सम्राट सिंह सरस्वार की विजय हो सकती है। अंदाजा ये था कि इनके ज़्यादा विधायक है, कांग्रेस के ज़्यादा विधायक होने के कारण उस क्षेत्र की अगर वोटिंग सम्राट सिंह सरस्वार को होती है तो आसानी से अपना सीट निकाल सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि सम्राट सिंह सरस्वार की बुरी तरह हार होती है और भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी का चुनाव निकल जाता है। अब आज तक के तो हमने ईवीएम पर सवाल करते हुए नहीं देखा था, ना कांग्रेस के तरफ से जितने भी अभी हर जो विधान लोकसभा क्षेत्र से जो सीटें अभी निकली है, तो कांग्रेस ने केवल चुनाव आयोग पर सवाल किया था लेकिन ईवीएम पर सवाल नहीं किया था। लेकिन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से जो हारे हुए सम्राट सिंह सरस्वार, उन्होंने ईवीएम पर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन जो मशीनें होती है 75% बैटरी उतर जाती है, लेकिन हम मतगणना के दिन जब देखा जाता है तो बैटरी 99% कैसे हो जाती है। अब ये देखना होगा कि उस टाइम में किसने देखा था कि बैटरी कितनी उतरती है, और एक डेढ़ महीना बाद वो बैटरी उतनी की उतनी होती है कि अपने आप बढ़ जाती है, या हो सकता है उस मशीन में सोलर प्लांट लगा हो कि जो सौर ऊर्जा के वजह से रखे रखे स्ट्रांग रूम में चार्ज हो जाती होगी। अब जबकि पूरे के पूरे कांग्रेस प्रत्याशी चीत हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश में पूरा भाजपा का कब्जा हो जाता है, पूरी पूरी सीटें भाजपा को चले जाती हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये विचार करेंगे कि जैसे महाराष्ट्र में भाजपा पिछड़ जाती है, भाजपा पिछड़ने के कारण यहाँ के देवेंद्र फडणवीस जी अपना इस्तीफा लेकर के हाजिर हो जाते हैं, तो अब क्या जैसा उत्तर प्रदेश में भाजपा पिछड़ गई तो क्या योगी जी इस्तीफा देंगे। फिर हम मध्य प्रदेश के कांग्रेस जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी की बात करेंगे, क्योंकि पिछले बार विधानसभा में कांग्रेस की बुरी तरह हार होने के कारण
कमलनाथ का इस्तीफा लिया जाता है और कमलनाथ को बदल दिया जाता है, उनके जगह जीतू पटवारी जी आते हैं और जीतू पटवारी अध्यक्ष बनने के बाद में टोटल कांग्रेस का सफाया हो जाता है। तो अब क्या कांग्रेस आलाकमान जीतू पटवारी का इस्तीफा लेगा? क्योंकि हमने उसी समय में जब ये टिकट वितरण चालू था विधानसभा का, तभी हमने बोल दिया था कि एक हारे हुए प्रत्याशी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और वो जो टिकट वितरण का जो तरीका है वो बिल्कुल किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर बालाघाट क्षेत्र की टिकट हिना कांवरे को यदि दिया जाता तो ये टिकट व्यर्थ ना जाती, क्योंकि हिना कांवरे को न देते हुए एक नए खिलाड़ी को सम्राट सिंह सरसवार एक पार्षद को टिकट दिया जाता है और वो पार्षद बुरी तरह हार हो जाती है। भाजपा की 240 सीटें निकलने के बाद अभी एक जो चर्चा का विषय तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये 400 पार का जो नारा चल रहा था, ज़्यादा नहीं तो 370 भाजपा की सीटें निकलने का फाइनल था, लेकिन 370 सीट भी ना निकलने के बावजूद केवल 240 पर भाजपा सिमट जाती है। तो यहाँ जो पिछले चुनाव में जो मेहनत करने वाले शिवराज सिंह चौहान थे मध्य प्रदेश के, जो कि उनका जो मुख्यमंत्री पद है छीन करके मोहन यादव जी को दिया जाता है, और बीच में चर्चा चल रही थी कि जो मतदान प्रतिशत कम हो रहा है मध्य प्रदेश में तो इनका बुलावा होगा, इनकी मीटिंग रखा जाएगा कि जो मोहन यादव जी है उनसे कुछ बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब पूरी सीटें विजयी हो जाते हैं धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि शिवराज चौहान भी खुद यहाँ प्रत्याशी थे और यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कारण ये पूरी सीटें निकली, ये बोलना पड़ेगा। महाराष्ट्र से गोंदिया जिले के करीबी लोकसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे नागपुर से नितिन गडकरी की। यदि नितिन गडकरी जी वहाँ से यदि चुनाव नहीं लड़ते और दूसरा भाजपा का कोई भी व्यक्ति खड़ा होता तो 100% गारंटी थी कि वो अपना चुनाव निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि इस बार आरएसएस भी इनसे नाराज थी और आरएसएस के कोई भी कार्यकर्ता भाजपा के लिए बाहर निकले नहीं हैं। वैसे नरेंद्र मोदी जी भी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, यदि वो लोगों के जो फार्म भरा गया था, नामांकन किया गया था, उन पर प्रेशर नहीं डालते और उनके आवेदन नहीं उठाते तो वहाँ पर भी मोदी जी का जीत पाना मुश्किल था, क्योंकि ये सब उनको पहले ही समझ में आ गया था कि उन्होंने देख लिया था कि 10 साल के बाद में अब उनका असर नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने जितने वादे किए थे 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, बेरोजगारों के लिए रोजगार की स्थापना करेंगे, किसानों के लिए किसानों की आय दुगनी करेंगे, फिर मध्य प्रदेश में वादा किया गया था कि समर्थन मूल्य 3,100 रुपये देंगे, तो ये सब नहीं देने के बाद केवल राम मंदिर का मुद्दा लेकर के और हिंदू वाला मुद्दा लेकर के चुनाव में उतरे थे, लेकिन इस बार उनको समझ में आ गया था कि हमारे जितने भी मुद्दे थे, जितने भी वादे थे, पूरे फेल हैं और हमारा चुनाव जीत पाना नामुमकिन है। तो उन्होंने एक हवा बनाया फिजूल का कि 400 पार का नारा दे करके इधर उधर उनने फैलाया गया, केवल हवा रही वो, और हवा के कारण वो तो समझ ही गए थे कि हमारा चुनाव मुश्किल है, इसलिए उनने इंदौर में भी कोशिश किया कि अपने जो प्रत्याशी है उनको, इंदौर के प्रत्याशी को ऐसे ही चुनाव जिता के ला लेंगे, ये पूरी कोशिश थी। वैसे भी गुजरात में भी वही हुआ था, तो उसी प्रकार से मोदी जी जो वाराणसी से लड़ते हैं तो वहाँ जब जो आवेदन लगाने वाले जो प्रत्याशी लोग हैं उनको दिन भर लाइन में खड़ा रखा जाता है, लेकिन वहाँ के अधिकारी उनको फार्म नहीं देते, फिर कोई भी जैसे तैसे बहाना बना के वहाँ की भीड़ छाटी जाती है। यदि जितने प्रत्याशी थे उतनों के यदि आवेदन होते तो वहाँ से भी कांग्रेस की सीट निकलती और मोदी जी का जीत पाना नामुमकिन था। इतने कोशिश करने के बाद भी 3 घंटे तक मतगणना में मोदी जी पीछे चलते रहे। यदि वहाँ से राहुल गांधी फार्म भर देता वाराणसी से, या नागपुर से राहुल गांधी फार्म भर देता, तो यहाँ पर भी नितिन गडकरी को चारों खाने चित होना पड़ता। वाराणसी से यदि राहुल गांधी फार्म भर देते तो वहाँ मोदी जी का जितना नामुमकिन था, क्योंकि इस बार जो वोट परसेंटेज देखा गया है कि राहुल गांधी दोनों लोकसभा क्षेत्र से 3.5 लाख से अधिक मतों से जीते हैं, जो कि मोदी जी की लोकप्रियता 3.5 लाख से कम हो चुकी है और राहुल गांधी की लोकप्रियता 3.5 लाख से ऊपर चले जाती है। तो यदि ये दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते तो ये तो पता चल जाता, वैसे साबित तो हो ही गया कि अब असली पप्पू कौन है करके, क्योंकि यहाँ पर अब ना पप्पू की बात है ना गप्पू की बात है, लेकिन यहाँ पर है अब जनता की बात है, और जनता जो भी फैसला देती है वो तो सभी को मानना होता है,
क्योंकि जनता के हाथ में है कि किसी को भी वो कुर्सी पर बिठा सकती है तो कुर्सी से उतार सकती है। महाराष्ट्र में भाजपा का हाल इसलिए हुआ कि उन्होंने भाजपा के कार्य को देख लिए और भाजपा की कार्य प्रणाली को जनता समझ चुकी थी, क्योंकि सहानुभूति तो पूरी शरद पवार के प्रति बन चुकी थी और उद्धव ठाकरे जी के प्रति, क्योंकि इनके पार्टी के लोगों को अपने दल में शामिल करना और फिर इनके चुनाव चिन्ह को भी छीन लेना, ये तो बिल्कुल नया सिस्टम नज़र में आया। आज तक के इतने साल से चुनाव होते आए लेकिन इस प्रकार का किसी ने देखा नहीं था। यदि मान लेते कि अब बीजेपी के जो लोग हैं वहाँ से अगर 20-25 लोग अलग चले जाते हैं तो क्या वो भी कमल का फूल उनका हो जाएगा? और जो इतने साल से उस जो पार्टी को संभाल कर रखे हैं और उस पार्टी के जो मेन जो मेहनत करने वाले परिश्रम करने वाले लोग हैं वो उनसे पार्टी भी छीन सकते हैं? ये नियम तो ये महाराष्ट्र से शुरू होता है, इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने एक सहानुभूति दिखाते हुए जो शरद पवार की जो पार्टी है और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है इनको भरपूर सहयोग किया है, और जो अजीत पवार है उनको भी तगड़ा जवाब मिल चुका है। अब देखना ये है कि ये लोग जो अभी का अवसर अगर देखते, क्योंकि ये तो अवसरवादी लोग हैं जो एक छोटे से पद के लिए और अपने ऊपर लगे हुए जो भ्रष्टाचार के आरोप मिटाने के लिए बीजेपी के शरण में चले जाते हैं, तो अब तो उनके लिए अवसर है, हो सकता है कि वो मिलकर के इधर शरद पवार उद्धव ठाकरे के पास जा सकते हैं। अभी ये सब कहना नामुमकिन है और मुश्किल है, अब अंदर की खिचड़ी क्या पक रही है ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन पहले तो फिलहाल यही बात है कि भाजपा के 240 सांसद कब अपना मीटिंग रखते हैं और कब अपना नेता चुनते हैं। नेता चुनने के बाद में फिर देखना होगा कि प्रधानमंत्री एनडीए से कौन या इंडिया से कौन। अभी खबर धीरे धीरे चल रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की डिमांडें बहुत बड़ी बड़ी हैं, क्या इनकी डिमांड भाजपा वाले पूरा कर सकते हैं? यदि ये कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस वाले क्या पूरा कर सकते हैं? क्योंकि अभी अटकलें चल रही है, कुछ जानकार लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इंडिया में यदि ये शामिल होते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो एक पूरी अटकलें चल रही कि यदि ये दोनों शामिल होते हैं तो इनको चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर का पद दिया जा सकता है और नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का पद दिया जा सकता है। होम मिनिस्टर के लिए, गृह मंत्री के लिए अखिलेश यादव का नाम चलाया जा रहा है कि वो गृह मंत्री बनेंगे, और प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी का नाम बार बार लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे, यूट्यूब पर भी देखेंगे, डिजिटल मीडिया पर देखेंगे, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का बहुत ही पसंद किया जा रहा है और उनको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि अभी बस कुछ दिन में ही ये सब क्लियर हो जाएगा और फिर देखेंगे कि हमारे भारत का नया प्रधानमंत्री कौन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।